एलियंस और दूसरी दुनिया से जुड़ी बातें हमेशा से हमारे लिए रहस्य रही हैं, जिनकी खोज वैज्ञानिक आज भी कर रहे हैं। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया के लोग निवास करते हैं। हालांकि इस सिलसिले में आज तक किसी प्रकार के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन समय समय पर लोगों ने आसमान में स्पेसशिप को देखने का दावा किया है। इंटरनेट पर इस तरह की कई तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं जो एलियंस के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि वैज्ञानिकों ने ऐसी कई जगह खोज निकाली हैं जहां एलियंस हो सकते हैं, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करेंगे? असल में नासा ने कुछ समय पहले 5 ऐसी जगहों के बारे में जिक्र किया था जहां एलियंस यानी दूसरी दुनिया के लोग हो सकते हैं। आज हम आपको उन्हीं 5 जगहों के बारे में बताने वाले हैं जहां एलियंस का अस्तित्व होने की आशंका जताई जा रही है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। LHS 1140B। अंतरिक्ष में मौजूद LHS 1140B एक विशाल और ठोस चट्टानों वाला लाल ग्रह है, यानी कहें तो रॉकी प्लैनेट है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह, जिसे साल 2017 में एम अर्थ प्रोजेक्ट के तहत खोजा गया था। ये ग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान का 7 गुना और 40% उससे बड़ा है, इसलिए इसे सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी से मिलती जुलती संरचना होने के कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर ग्रही यानी एलियंस हो सकते हैं। LHS 1140B की बनावट, तापमान और तत्व सब कुछ जीवन की संभावना के अनुकूल हैं। इसके अलावा ये साइज में भी धरती से काफी बड़ा है, जिसके कारण यहाँ बड़ी संख्या में एलियन बस्तियां हो सकती हैं। धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद LHS 1140B की खोज के बाद नासा के वैज्ञानिक एलियंस से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए और भी उत्साहित हो गए हैं। इसलिए इस ग्रह की हर हरकत पर नजर रखने के लिए हाई एक्यूरेसी रेडियल वेलोसिटी प्लैनेट सर्चर यानी हार्प्स नामक टेलीस्कोप की मदद ली जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह के आसपास ऐसी हरकतों को नोटिस किया गया है जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं लगती हैं। इसलिए इस बात की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है कि LHS 1140B एलियंस का घर हो सकता है। इसी सिलसिले में नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम लगातार रिसर्च कर रही है। आपको बता दें, पृथ्वी से इस ग्रह को सिग्नल भी भेजा गया है, जिसे पहुंचने में 40 साल का लंबा वक्त लगेगा, लेकिन अगर वहां से कोई जवाब आता है तो ये वैज्ञानिकों के लिए बड़ी सफलता होगी। ट्रैपिस्ट 1 लाल रंग का एक तारा है जो बृहस्पति ग्रह की तुलना में थोड़ा बड़ा है। ये सूर्य से 39.6 और धरती से 39.46 लाइट ईयर्स दूर स्थित है। इस प्लैनेटरी सिस्टम की खोज साल 2017 में की गई थी, जिसमें 7 ग्रह मौजूद हैं और निरंतर इसकी परिक्रमा करते रहते हैं, यानी कहें तो हमारे सौर मंडल की तरह ही है। वैज्ञानिकों की माने तो इस प्लैनेटरी सिस्टम में मौजूद ग्रहों का तापमान काफी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है, जिसकी वजह से यहाँ जीवन की संभावना जताई जाती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ग्रहों का तापमान सामान्य होने के कारण यहाँ पानी तरल रूप में पाया जा सकता है। इसलिए उनका मानना है कि ट्रैपिस्ट 1 में मौजूद ग्रहों में दूसरी दुनिया यानी एलियंस हो सकते हैं, जो इंसानों की तरह वहाँ जीवन व्यतीत कर रहे हों। इसके अलावा इस प्लैनेटरी सिस्टम में जीवन की संभावना को बढ़ाने वाले कई तत्व मौजूद हैं। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ एलियंस पाए जा सकते हैं। यही वजह है कि नासा के वैज्ञानिक ट्रैपिस्ट 1 पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं और उससे जुड़ी रिसर्च कर रहे हैं। केपलर 186F एक एक्सोप्लैनेट है जो पृथ्वी से लगभग 582 प्रकाश वर्ष की दूरी पर केपलर 186 नामक तारे की परिक्रमा करता है। ये पहला ऐसा ग्रह है जो रेडियस के मामले में पृथ्वी के समान है। ये ग्रह अपने तारे से इतना दूर है कि इसका तापमान जीवन के अनुकूल है। केपलर 186F पृथ्वी के मुकाबले 10% बड़ा है, लेकिन यहाँ पानी होने के सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। 17 अप्रैल 2014 को खोजे गए इस ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों को अभी भी कई तरह की जानकारी जुटानी है। हालांकि अगर इस ग्रह में पानी और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है तो संभव है कि यहाँ एलियंस रहते होंगे। वैज्ञानिक केपलर 186F की संरचना और वहाँ मौजूद तत्वों का पता लगाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं और हो सकता है कि उन्हें जल्द ही इस काम में कामयाबी मिले। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चांद है और सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। ये एकमात्र चंद्रमा है जिसे घने वायुमंडल के रूप में जाना जाता है
अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा ये एकमात्र चंद्रमा है जहाँ की सतह में जीवन के लिए अनुकूल तरल तत्वों के प्रमाण खोजे गए हैं। हालांकि इस चंद्रमा पर जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया धरती से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ मौजूद पानी पूरी तरह से जमा हुआ है। टाइटन का तापमान काफी कम है, जिसकी वजह से कोई भी तरल चीज ठोस रूप में जम जाती है। नासा के वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस जगह पर पानी किसी भी रूप में मौजूद होता है, वहाँ जीवन की संभावना भी बढ़ जाती है। भले ही टाइटन पर इंसान नहीं रह सकते हैं, लेकिन यहाँ एलियंस और कम तापमान में जीवित रहने वाले जीव जंतु जरूर होंगे। वैज्ञानिकों की माने तो टाइटन पर वो एलियंस रहते होंगे जो कम तापमान में भी आसानी से जीवित रह सकते हैं और जिन्हें सूर्य की गर्मी की ज्यादा जरूरत नहीं होती। हालांकि स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से पहले नासा इस चंद्रमा की संरचना और बाकी चीजों को लेकर रिसर्च कर रहा है। गैनीमेड। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का एक चांद है जो सौर मंडल की चंद्रमाओं में सबसे विशाल है। इसका व्यास 5268 किलोमीटर है और ये बुध ग्रह की तुलना में 5% बड़ा है। इस पर पानी होने के सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन इसकी सतह के नीचे पानी तरल रूप में मौजूद है। रिसर्च से पता चलता है कि गैनीमेड की सतह के अंदर पृथ्वी से भी ज्यादा पानी मौजूद है। यही नहीं, एक समय ऐसा भी था जब इस पानी में बाढ़ की स्थिति पैदा हुई थी। बाढ़ की वजह से ही गैनीमेड की सतह पर काफी दरारें आ गई थी। हालांकि इस बात से पता चलता है कि यहाँ के पानी में जलीय जीव हो सकते हैं। गैनीमेड पर अब तक की गई रिसर्च से वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ एलियंस हो सकते हैं जो जमीन के अंदर से पानी निकालकर अपना गुजारा करते होंगे। गैनीमेड की अद्भुत संरचना और पानी की उपस्थिति इसे एलियन ग्रह बनाने का काम करती है, जिसे लेकर वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। तो ये थे वो 5 ग्रह जहाँ एलियंस होने की संभावना जताई जा रही है। ये जगह धरती से इतनी दूर है कि यहाँ जाकर सीधे तौर पर किसी भी बात का पता नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी की मदद से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वो एलियंस तक पहुँच पाए। हालांकि सवाल अब भी यही है कि क्या हम कभी एलियंस को ढूंढ पाएंगे? आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कॉमेंट कर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।